तो हम बात करेंगे अक्टूबर के महीने में लॉन्च होने वाली बजट सेगमेंट की एसयूवी के बारे में। कौन कौन सी एसयूवी अक्टूबर 2023 में लॉन्च होने वाली है। इस लिस्ट की पहली गाड़ी महिंद्रा की KUV 100 है, जो ईवी वर्जन में मार्केट में वापस लाई जा रही है। KUV 100 भारत की पहली माइक्रो एसयूवी कार थी, जिसे महिंद्रा ने माइक्रो एसयूवी के ट्रेंड से पहले लॉन्च कर दिया था, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 9 लाख से 13 लाख रुपए होने की संभावना है। इस लिस्ट की दूसरी गाड़ी सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस है। सिट्रॉन अभी तक भारतीय मार्केट में कुछ ज्यादा कमाल तो नहीं कर पाई, हो सकता है आने वाले टाइम में सिट्रॉन की गाड़ियां हमें मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। इसका एक्सपेक्टेड प्राइस 10 लाख से 12.5 लाख रुपए होने की संभावना है। इस लिस्ट में तीसरी गाड़ी टोयोटा की टाइजर है, जो मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स पे बेस्ड एक क्रॉसओवर एसयूवी है, जिसमें इंटीरियर और एक्सटीरियर फ्रॉन्क्स वाला ही देखने को मिलेगा। बाकी इसमें सुजुकी के बैच की जगह पे टोयोटा का बैच देखने को मिलेगा। टोयोटा टाइजर का एक्सपेक्टेड प्राइस 7.5 लाख रुपए से 13.5 लाख रुपए होने की संभावना है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आती है 5-डोर फोर्स गुरखा, जो ऑफ रोडर किंग थार को कड़ी टक्कर देने का दम रखती है। गुरखा पहले 3-डोर डीजल इंजन के साथ आती थी, लेकिन इसका 5-डोर वर्जन पेट्रोल इंजन में लॉन्च होने वाला है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 15 लाख रुपए होने की संभावना है। नंबर 5 वाली गाड़ी की बात करें तो टाटा अपनी पंच को ईवी में लॉन्च करने वाला है। टाटा इससे पहले नेक्सॉन और अल्टोस को भी ईवी में लॉन्च कर चुका है। टाटा पंच के ईवी वाले वेरिएंट का एक्सपेक्टेड प्राइस 11.5 लाख रुपए से 14 लाख रुपए होने की संभावना है। नंबर 6 पे है हुंडई की वेन्यू, जो अभी तक आपको पेट्रोल में देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसका भी CNG वर्जन मार्केट में लॉन्च होने वाला है, जिसका एक्सपेक्टेड प्राइस 8.5 से 10 लाख रुपए होने की संभावना है। ये 6 SUV अक्टूबर के मंथ में लॉन्च होने जा रही हैं। अब देखना ये होगा कि इन 6 SUVs में से आपको कौन सी SUV पसंद आती है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल टेक एंड ट्रेवल विद अमित को।